अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? ठीक ठाक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैंड डेंसिटी। आज हम पढ़ेंगे कि स्टैंड डेंसिटी क्या है और स्टॉकिंग क्या है। इसके साथ साथ हम स्टॉकिंग भी पढ़ेंगे और साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग स्टैंड डेंसिटी। हम वो मेथड्स भी पढ़ेंगे जिसके ज़रिए हम ये मालूम कर सकेंगे कि स्टैंड डेंसिटी जो है वो किस तरह हम डिटरमिन कर सकते हैं, कैसे मालूम कर सकते हैं। तो आज का जब टॉपिक है स्टैंड डेंसिटी एंड स्टॉकिंग और उसकी डिटरमिनेशन की जो है वो मेथड्स है। तो लेट्स टेक अ स्टार्ट। डेंसिटी डिनोट्स अ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ स्टैंड, वेयर ए स्टॉकिंग रिफर टू द एडिक्वेसी ऑफ अ गिवन स्टैंड डेंसिटी टू मीट सम मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव। स्टैंड डेंसिटी क्या है? जब आप कहते हैं कि नंबर ऑफ ट्रीज पर एकड़, यानी आप कहते हैं कि पर एकड़ हमारे पास 10 ट्रीज है तो ये डेंसिटी है, ठीक है, इसको आप डेंसिटी कहते हैं। लेकिन जब आप स्टॉकिंग किसको कहते हैं? स्टॉकिंग आप किसको कहते हैं कि भाई हमारे पास पर एकड़ नंबर ऑफ प्लांट जो पूरे है, कम है, ज़्यादा है, इस तरह क्वांटिटेटिव किस्म की जब स्टेटमेंट दे रहे तो हम कहते हैं स्टॉकिंग। ऑल दो स्टॉकिंग एंड डेंसिटी आर टर्म्स दैट आर ऑफन अप्लाइड इन इंटरचेंजेबली, द टू टर्म्स आर नॉट सिनोनिमस, यानी एक जैसे नहीं है। एक में हम क्वांटिटेटिव टर्म्स की बात करते हैं कि जी 10 नंबर ऑफ ट्रीज पर एकड़ या 20 नंबर ऑफ ट्रीज पर एकड़, और दूसरी में स्टॉकिंग में हम कहते हैं कि ये स्टॉकिंग गुड है, गुड नहीं है, अच्छी है या मॉडरेट है, जो भी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्टैंड मे बी रिफर टू एज अंडर स्टॉक, फुली स्टॉक और ओवर स्टॉक। स्टॉकिंग में हम क्या कह सकते हैं कि जी स्टॉकिंग अंडर स्टॉक है, ओवर स्टॉक है, फुली स्टॉक है, ओवर स्टॉक है। तो ये एक किस्म की क्वालिटेटिव टर्मिनोलॉजी है, क्वान्टिटेटिव नहीं है। इसमें टर्म्स हमारे पास नहीं है तो इसलिए इसको हम कहते हैं कि जी ये हमारे पास क्वालिटेटिव टर्म्स है। स्टैंड डेंसिटी इज क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव टर्म डिस्क्राइबिंग द डिग्री ऑफ द स्टेम क्राउन विद इन स्टॉक एरिया, इट इज एक्सप्रेस्ड इन एब्सोल्यूट रिलेटिव नंबर। जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि 10 नंबर ऑफ ट्रीज पर एकड़। एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डेंसिटी आर डिटरमाइंड डायरेक्टली फ्रॉम अ गिवन स्टैंड विदाउट रेफरेंस टू एनी अदर स्टैंड, फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ ट्रीज पर एकड़, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। Relative density is based on the selected standard density. If, for instance, fully stocked is defined on the basal area basis, the ratio, the mere basal area in a stand to that of fully stocked ideal is that. जब आप दूसरे के साथ इसकी comparison करते हैं तो ये कहते हैं कि फिर इसको हम relative density कहते हैं। लेकिन इसको आप फिलहाल छोड़ दें, ये आप लोगों के लिए उस तरह नहीं है, पढ़ ले, फिर भी अगर कोई मसला है तो फिर मुझसे पूछ सकते हैं। The problem of what constitutes fully stocking made application of relative density measures difficult. फिर बेसल एरिया पर एकड़ हम किसको कहते हैं कि बेसल एरिया इज डिफाइंड एज द क्रॉस सेक्शनल एरिया एट DBH. DBH पे जो हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको हम कहते हैं कि जी हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है और इट इज कैलकुलेटेड एज ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई आपको पता है कि 14.3 के बराबर है। Because its objective easily understood and simple to measure the point sampling techniques, ये आप लोग छोड़ लें, मैं इसकी जगह आप लोगों को एक और जो है वो प्रेजेंटेशन इसकी कंटिन्यूटी में आप लोगों को शेयर कर लूँगा। इसमें बेसल एरिया आप लोगों को अच्छी तरह उसकी समझ आ जाएगी। तो बेसल एरिया क्या है? बेसल एरिया में आपको सिर्फ ये डिफिनीशन है कि जी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए डी बी एच और ए इसके बराबर है, ए यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। द बी ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ऑल द स्टेम ऑफ सम स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ स्टैंड एक्सप्रेस ऑन ए पर एकड़ बेसिस इन कंट्रीज। ये मैं आपको ट्रीज पर एकड़, ट्रीज पर एकड़ क्या चीज़ है? ट्रीज पर एकड़ आपको पता है कि जिस तरह नंबर ऑफ ट्रीज पर एकड़ है, तो ये बेसल एरिया पर एकड़ और ट्रीज पर एकड़ ये क्या है? ये बेसिकली डेंसिटी है, यानी ये क्वांटिटेटिव टर्म्स है जिसमें कि ये आपको नजर आ रहे कि जी एन एज एन एक्सप्रेशन ऑफ स्टैंड डेंसिटी नंबर ऑफ ट्रीज पर एकड़ हैज लिमिटेड वैल्यू इन नेचुरल स्टैंड बट इट हैज बीन एक्सटेंसिवली यूज इन प्लांटेड। तो ये इसको हम फिलहाल छोड़ लेते हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जी ट्रीज पर एकड़ और बेसल एरिया पर एकड़ ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास स्टैंड डेंसिटी। और जब हम किसी स्टैंड के बारे में कहते हैं कि हमारे पास ये ओवर स्टॉक है, अंडर स्टॉक है या फुल स्टॉक है, तो इसको हम कहते हैं स्टॉक है, सही है। तो ये बेसल एरिया क्या है इसके बारे में मैं आपको एक और वीडियो जो है वो अपलोड करूंगा इसी लेक्चर के साथ,
इसको आप देख लेंगे तो बेसल एरिया की आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाएगी।